निकलनी दिखी है मम्मी के बारे में एक बार नहीं सोचा तूने तो निकल यहाँ से, तू यहाँ रहने की लायक नहीं रहने के। और हमें वीडियो बनाने की कोई शर्म नहीं है, ये चीज ऐसी है कि क्लियर होनी चाहिए और डंडे भी पड़ने चाहिए। ये तो बच्चों वाली चीज भी नहीं है, कॉलेज में चले गए इसका मतलब ये थोड़ा है बच्चे कुछ भी कर लेंगे। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग एंड ये काफी मतलब सीरियस पॉइंट पे व्लॉग है। एक्चुअली जब उपकार स्कूल वगैरह जाता था तो हम लोग डेली बेसिस पे उसका बैग चेक करते थे, स्पेशली मैं ही करती थी। तो मतलब जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो कभी लव लेटर मिलते थे, कभी चॉकलेट्स मिलती थी, लड़कियां इसको बहुत सारी चीजें देती थी पहली बार मतलब और लोगों को मिलते थे। हाँ हम मजाक मस्ती भी लेते थे कि चल कोई नहीं फन चल रहा है, सबके एक एज होती है, हर बच्चे सब कुछ करते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। अब वो कॉलेज में आ गया, जैसे वो फोर्थ ईयर में आ गया कॉलेज में है। और तो आज मैंने और जानवी ने ऐसी रैंडमली सोचा कि चला आज इसका बैग चेक करते हैं, शायद कुछ चॉकलेट वगैरह मिल जाए तो हम खावा लेंगे या कुछ लव लेटर मिलेंगे तो पढ़ते हैं, बाद में इसकी फिरकी काटेंगे। क्योंकि हम हमेशा ऐसे करते थे, बाद में इसको उन पॉइंट्स पे चिढ़ाते थे, बोलते थे। तो हमने बैग चेक करा एंड बैग चेक करके हम लोग इतना शॉक हो गए कि मतलब हमें समझ नहीं आ रहा हम रिएक्ट क्या करें, क्या हमें ज्यादा ही शॉकिंग था ये तो, हमने उससे कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सही में मुझे हंसी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूं, हंसू डांटू क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मतलब मुझे भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद क्या क्या मतलब मैंने को भी समझ नहीं आया कि एक्चुअली चीज क्या है क्या नहीं है। हमें उसके बैग में कुछ ऐसी अजीब चीज मिली कि हमें खुद रियलाइज नहीं हो रहा कि ये चीज उपकार के बैग में मिल सकती है, मतलब हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे ये सारी चीजें यार। बट समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी चीज से डील कैसे करें, मम्मी को पता चलेगा तो उनकी अलग हालत खराब हो जाएगी। ये हो रहा है कि हम क्या करें। चलो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते कि चीज क्या है, यानी लेकर आई बोल ये देखो, ये देखो। पहले तो मुझे लगा ये एक नॉर्मल पेपर है, तो शुक्र है हमने पेपर भी खोल दिया। हमने तो सोचा ऐसे कागज होते हैं बच्चों के बैग में पड़ जाते हैं। ये तो बच्चों वाली चीज भी नहीं है, कॉलेज में चले गए इसका मतलब ये थोड़ा है बच्चे कुछ भी कर लेंगे। मतलब हम अगर ट्रस्ट करते हैं, पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं बच्चों पे कि चलिए बच्चे कॉलेज गए, तो मतलब ये थोड़ा कि ये सब चीजें। तो चलो अब हम चलते हैं उसके पास और देखते हैं उसको। और हमें वीडियो बनाने की कोई शर्म नहीं है, ये चीज ऐसी है कि क्लियर होनी चाहिए और डंडे भी पड़ने चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमारा भाई है तो हम उसको प्यार से बोलेंगे कुछ। अभी देखो क्या तुड़ान करती हूँ, मुझे तो सच में इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा बस चले मैं से ऊपर से नीचे फेंक दूँ साले को। रुक जा नशे तो मैं उतारूंगी इसकी अभी ढंग से, साले के आज बजाऊंगी की याद। रात रात भर नशे करता तो इसे कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। ओए ओए नवाब उठ 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 उठ, नशा करके सो रहा है ना, कैसे उठ पाएगा नशा, इसके तो सारे नशे दिए हम उतार रखे आपने ना नशा। हम ओए क्या ये क्या ये क्या ये सुन ले इसे सुन ली होगी बातें तभी इतना शांत हो रहा है, गुस्सा हम पे ही कर रहा है ऊपर से है। ये क्या है पर्ची खोल पर्ची वो खोल पेपर खोल है पेपर खोल पेपर खोल आरती उतारो पेपर पीछे देखो क्या पेपर दिख रहा है। हाँ खोल इसे क्या ये तेरे बैग में मिला है ये क्या है पहले ये बता, अभी मत मारो रुक जाओ दीदी अभी मत मारो मोबाइल छोड़ अभी भी मोबाइल देख रहा है शर्म नहीं आ रही है इससे को कॉलेज पढ़ने के भेजाएगी तो ये ग्रेटर नोएडा के लड़कों के बहन को मारने जाएगा मार दिया ये देख ये क्या है ये क्या तूने ये क्या है ये क्या है ये क्या है तेरे 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 बैग में मिला ये क्या है तुझे पता क्या है ये फेंक क्यों रहा है खोल के देख तुम्हें मैं यकीन नहीं है नहीं है क्यों आज तक था पर जब से ये देख लिया ना ऐसे दोस्त बनाए कैसे तूने तेरे दोस्त ये हरकतें करते हैं और तुझे शर्म नहीं आती तू उनके साथ रहता है बहन मेरा नहीं है मैं यकीन कर यार मार के लिए तो तेरी आरती उतारू क्या कर रहा है क्या कर रहा है ये बारिश तुम ये क्या है ये क्या है ये इसका बता दे तू इसका जवाब दे दे सिर्फ सिर्फ इसका जवाब दे दे सिर्फ इसका जवाब दे दे खोल के देख तेरे बैग में मिला तू बताएगा ना क्या है पास था ना ये हमारे पास छोड़ना था इसीलिए भेजा हम तक को पढ़ने के
नहीं नहीं तू बता बता यार, ये मेरा नहीं है दीदी, सही में नहीं है, मैं ट्रस्ट कर। गरम चिमटा करके लाऊं तब मुंह खोलेगा? अरे मेरा है नहीं यार ये, तो मेरा हाथी काफी इस वक्त मुझ पे, इसलिए तो मेरा हाथी काफी साले की हाथी काफी इसके लिए नहीं है बोल यार। ऐसे लोगों की संगत में भी क्यों है, जब आया कहाँ से, अगर तेरा नहीं है तो पहली बात तो ये तो ऐसे दुकान में भी नहीं मिलता, जो तेरे को मिल गया कहाँ से मिला ये, तो तुम्हारे इसके कॉलेज में चलेंगे ना, कॉलेज में चलेंगे। अभी फोन कर, अब किसको दोस्त का बैग में कैसे आ गई, तुम छुआ ही कैसे, ऐसे गंदी चीज को छूने से पहले तुझे हमारी किसी की शक्ल नहीं दिखी है, मम्मी के बारे में एक बार नहीं सोचा तुमने, तू निकल यहाँ से, तू यहाँ रहने की लायक नहीं, रहने की लायक नहीं, तू इस घर में नहीं रह, इस घर में रहने की लायक नहीं, निकल यहाँ से, निकल, मेरे यहाँ नहीं रहना, इसे नहीं रखा था मैंने तो यहाँ। अरे मेरा नहीं, मुझे लगता है ऐसे कुछ लाएगा मेरे दोस्त का ही, कल को बात तो दीदी पे ही आएगी ना, कोई भी बोलेगा कि उसके साथ रहता था ये, बात तो सारी दीदी पे ही आएगी। दोस्त तेरे ऐसे दोस्त बन कैसे गए, कैसे बन गए तेरे ऐसे दोस्त, इसीलिए पढ़ा रहे तुझे, निकल उन्हीं दोस्तों के घर जा, जो उन्हीं दोस्तों के घर नहीं, सब देख रहे, ये पड़ी है जो बिल्डिंग में हंगामा मचाऊंगी, क्या समझ रहे, उन्हीं पूरी पूरी बिल्डिंग में हंगामा मचाऊंगी। आप मचिए, झाड़ू मार, काम वाली इतनी मेहनत से सफाई करके जाती है। तो गाइस मैं बहुत पीट गया, नाखून ही नाखून खा रखे, चप्पल चप्पल खा दी, और शेक ले ली, वैसे पीट गया मेरा अंजा। हाय, तो अब मैं बहुत सारी चप्पल खाई, बहुत सारे लात घूसे खाए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को फैलाओ, थैंक यू सो मच। अगर आपको और स्क्रिप्ट बेस्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्या स्क्रिप्ट हम कर सकते हैं। बाय।